सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत जंगलीपुर के प्राथमिक विद्यालय का शौचालय क्षतिग्रस्त था, जिस पर 6 महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था। हाँ बताएं, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5। हाँ तो बताएं, आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय में शौचालय कैसा है? टूट गया है। शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोग को? बाहर बाहर जाना पड़ता है। और बाहर जाते हैं किसी को खेत में तो वो बोलता है, डांटता है, गाली देता है। मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत दूर जाना पड़ता है, और किसी के खेत में जाता हूँ तो मुझे गालियाँ देता है, और मेरी पढ़ाई भी नष्ट हो जाती है। और मैं ये चाहता हूँ मेरे विद्यालय का शौचालय जल्द ही बन जाए, इसलिए सारी बच्चों की परेशानी दूर हो जाए। हमारे यहाँ की सबसे जटिल समस्या है कि शौचालय यहाँ जो है लगभग 1.25 साल से टूटा हुआ है, इसलिए बच्चों को जो है शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने की वजह से काफ़ी दूर जाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, पढ़ाई में नुकसान होता है, और जहाँ जाते हैं किसी के खेत में तो वो जो है डांट फटकार कर भगा देता है, शौच करने नहीं देता। वीडियो के माध्यम से समुदाय के लोगों को जागरूक व संगठित कर काफ़ी प्रयासों के बाद उस पर हमने यह बदलाव ला पाया। समस्या हल करने के लिए आप की प्राथमिक विद्यालय में क्या प्रयास किया गया? वीडियो बनाया गया और सबको दिखाया गया, सब लोग देखे, टीचर भी देखे, प्रधान जी को भी दिखाया गया, वो ब्लैक पर गए, उनको पैसा मिला और शौचालय बनवाया। यहाँ पर शौचालय में क्या काम किए हैं? शौचालय का दोनों फीट रिपेयर हुआ है, दो पाइप लगाया हूँ, लेटरिन का ढक्कन लगाया हूँ। तो मेन्स जो है महत्वपूर्ण भूमिका वीडियो शूटिंग की रही। वीडियो शूटिंग किसके द्वारा किया गया? वीडियो शूटिंग जो है ब्रह्मजीत यादव के द्वारा किया गया, और ये समस्या जो है दूर करने में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी क्या बदलाव आया? अभी ये बदलाव आया है कि जो अब शौचालय सही हो गया है तो सब बच्चे जो है लड़के लड़कियाँ सब शौचालय में जा रहे हैं, अब जो है ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। पढ़ाई के स्तर में भी सुधार होगा, जो बच्चे नहीं आते थे शौचालय के कारण अभी विद्यालय आने लगे हैं, तो ये तो ठीक हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो वॉलंटियर्स के तरफ से ऐसी सामाजिक समस्याओं को उठाता रहूं ताकि उनका समाधान हो सके। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।